नमस्कार एवं स्वागत है आपकी मेरी चैनल पे। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे डेली यूज़ किए जाने वाले फ्लावर के बारे में, यानी डेली यूज़ किया जाता है जो फ्लावर पूजा में या भगवान की सेवा में ज़रूरत होती है या चढ़ाया जाता है वही फ्लावर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, नाम लूंगी अपराजिता, जो मुझे बेहद पसंद है या ज़रूरी भी है। इसका कलर आजकल बहुत सारे आ रहा है, 4-5 कलर में आ रहा है, लेकिन इसको जो बेसिक कलर है वो है वाइट एंड ब्लू, लेकिन पर्पल रेड पिंक में भी आजकल पाया जाता है, सिंगल पेटल्स या मल्टी पेटल्स। उसके बाद मैं जैस्मिन मोगरा की नाम लूँगी, वो है जैस्मिन यानी अरेबियन जैस्मिन भी है, मोगरा है, इसे रात रानी भी कहा जाता है। इसका कलर तो वाइट ही होते हैं, एक ही कलर में पाया जाता है, लेकिन इसका जो खुशबू है बहुत ही क्या बताओ लाजवाब है। तो इसके बाद आ रहे जो ये है सदाबहार, सदाबहार नाम से ही जाना या पहचाना जाता है, ये हमेशा ही हमारे बागीचे में बहार या शोभा देता है। तो इसको दो वैरायटी है, देसी एंड हाइब्रिड। देसी वाली में पिंक कलर और पर्पल कलर व्हाइट कलर में आते हैं, और हाइब्रिड तो बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं। इसको लाइफ भी एक दिन का ही होता है, 1 से 2 दिन होता है लगभग। जो फूल हम यूज़ करते हैं वो एक दिन का ही लाइफ होता है पूजा में जो यूज़ करते हैं। इसके बाद आ रहे हैं हिबिस्कस, हिबिस्कस की देसी वैरायटी जो है वही पूजा में ज़्यादा यूज़ होता है। तो देसी वैरायटी 2-3 पाया जाता है, एक वाइट है एक रेड है, रेड में 5 मुखी भी है। तो ये सारे फूल आजकल हाइब्रिड भी बहुत आ रहा है, वो भी हम पूजा में यूज़ करते हैं। तो ये है मोगरा, ये भी जैस्मिन की श्रेणी में ही आ रहा है। मोगरा का तो क्या कहना है, मोगरा सब पूजा में यूज़ होता है, सब भगवान को बहुत ही पसंदीदा है। तो और जो सुगंधी फ्लावर होता है, जो सुगंधी फूल होता है, वो खास करके हम पूजा में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि रजनीगंधा है, डेली यूज़ कर सकते हैं, और मधुकामिनी है, मधुमालती है, ये भी हम पूजा में चढ़ा सकते हैं। और जो कमल पुष्प है ये भी खास करके सारे देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है, लेकिन ये हमेशा मिलता नहीं है, मिलता भी है तो ये हमें बाज़ार से लेके आना पड़ता है, हर घर में नहीं मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये पानी वाली फ्लावर है, वाटर में ग्रो करती है, तो इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल से मिलता है। आजकल सब लोग घर में शुरू कर दिया, लेकिन ये हम लगभग पूजा के दिन बाज़ार से खरीद करके लेके आते हैं। इसके बाद आ रहे हैं जो चांदनी, ये है मेरे पास जो है ये मल्टी पेटल्स की है, और भी बहुत सारे वैरायटी है, सिंगल पेटल्स डबल पेटल्स में है, इसको बहुत सारे नाम भी है, तो हम उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे, लेकिन जो फूल हम पूजा में भगवान की पूजा में चढ़ाते हैं वही हम नाम ले रहे हैं। ये एलमंडा है, एलमंडा भी हम चढ़ाते हैं आजकल, ये भी बड़े शौक से हम चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। इसको भी कोई सारे कलर्स भी आ रहे, इसको हमारी भाषा में अलकानंदा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर नाम है अलकानंदा, एलमंडा बहुत सुंदर नाम है। अरे है जैस्मिन, जैस्मिन का तो क्या कहना है, पहले ही भी बताया जैस्मिन बहुत सुंदर फ्लावर है। और भी है पारिजात है, जो सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है पारिजात, और ये जो है
जैस्मिन। इसको मान्यता है कि विशेष मनोकामना लेके हम चढ़ाएंगे अगर कोई शिव जी पर कोई देवी देवताओं के ऊपर, तो हमारा वो मनोकामना पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जैसे आँख की पुष्प है, शिव जी की पूजा में बहुत ज़रूरी है। कनेर की पुष्प है, ओलियंडर, ओलियंडर तो बहुत सारे किस्म के आ रहे हैं आजकल, तो ऐसा फूल बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा रोज़ है, रोज़ तो हम जैसे लक्ष्मी माता की चढ़ाती है, सारे भाव देवी देवताओं को हम चढ़ाते हैं, रोज़ भी चढ़ते हैं कोमल पुष्प की तरह ही। तो फ्रेंड्स, हम इसको काटिंग भी लगा के दिखाएंगे कैसे कैसे हम काटिंग लगाएंगे इसको, तो कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, घर में बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं और काटिंग से भी। इस समय मौसम मानसून चल रहा है, बहुत अच्छा है, बरसात की है सीजन चल रहा है, तो हम इस समय इजीली हम ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने भर लिया यहाँ पे रेत और कोकोपीट, रेत की मात्रा 70%, कोकोपीट 30%। तो मैंने यहाँ पे काटिंग एंड रूटिंग हार्मोन लिया और ह्यूमिक एसिड से इसको लगा रही हूँ। दो तीन दिन मैं ऐसे हल्का पानी छिड़क दूँगी, स्प्रे कर दूँगी या मिस्टिंग कर दूँगी। मैं इसको ऐसे शेडी एरिया में रख दूँगी, जब थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो मैं इसको बारिश के जैसे ऐसे जगह रख दूँगी जहाँ बारिश भी गिरता है, तो बारिश का पानी से 100% इसको ग्रो हो जाने में मदद करती है, रूट निकल के आ जाती है। तो फ्रेंड्स, तो कैसे मैं तैयार कर रही हूँ और आगे भी आप लोग देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे मैंने लिया चांदनी, हिबिस्कस, सदाबहार, बहुत सारे काटिंग मैंने इसमें एक ही पॉट में अभी लगा दिया। जैसे ही थोड़ा सा रूट निकल के आएगा तब मैं इसको अलग अलग करके पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो इसके लिए मेरा यहाँ पे रूटिंग हार्मोन लिया, काटिंग एड और ह्यूमिक एसिड मैंने यूज़ किया। मैंने यहाँ पे और भी बहुत सारे काटिंग मैं लगा दिया या अभी आज लगा रही हूँ, पहले भी लगा चुके हैं, वो थोड़ा सा स्टेबल भी हो गया। जैसे यहाँ पे हिबिस्कस है, सदाबहार है, कनेर है, कनेर मैं आज ही लगा रही हूँ, वैसे ही काटिंग एड रूटिंग हार्मोन से और ह्यूमिक एसिड। ये मनी प्लांट है। तो फ्रेंड, ऐसे हम ग्रो कर सकते हैं और ऐसे अपराजिता के भी हम काटिंग से ग्रो कर सकते हैं और बीजों से भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। बीजों से तो एक दो दिन, दो तीन दिन में बिल्कुल तैयार हो जाता है, निकल के बाहर आ जाता है सीडलिंग, और थोड़ा पुराना डाल से भी हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड,
ये था आज का वीडियो।